कार न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए जनपदीय पुलिस टीम द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जनपदीय स्वाट एम थाना श्रीनगर पुलिस की संयुक्त पुलिस टीम को अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी व उनके कब्जे से भारी मात्रा में 52,200 किलो अवैध सूखे गांजे, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए की बरामदगी सहित तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन की बरामदगी गई। मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान अपर्णा गुप्ता पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत इनपुट दिया गया था कि बॉर्डर सीमा क्षेत्र में अपराधियों की गतिविधि बढ़ सकती है, इसलिए मध्य प्रदेश सीमा से सटे हुए थानों को अलर्ट मोड में रखकर आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने तथा राज्य के सभी एंट्री पॉइंट्स में सघन चेकिंग किए जाने के निर्देश दिए थे। श्रीनगर क्षेत्र ग्राम सिजहरी अंतर्गत राजपूत ढाबा के पास जनपदीय स्वाट एवं थाना श्रीनगर की पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी महिंद्रा बोलेरो आती हुई दिखाई दी, जिसको हाथ देकर रुकने का इशारा किया तो बोलेरो चालक ने पुलिस चेकिंग को देखकर गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया। इससे पुलिस को शक हुआ और उपरोक्त कार्रवाई की गई। देखिए, श्रीनगर पुलिस व एसओजी महोबा को आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। एक बोलेरो कार गाड़ी को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसके अंदर से हमें 53 किलोग्राम्स गांजा इलीगल बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत मार्केट में लगभग 15 लाख रुपए है। और यह इस नाते भी इसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और ये जो बोलेरो गाड़ी है, इसके भी सारे नंबर प्लेट्स वगैरह के साथ छेड़खानी इन्होंने की हुई थी। इसके तहत NDPS 419-20 का मुकदमा पंजीकृत करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत अच्छी कार्रवाई इस नाते भी है कि पास के ही मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू है और ये वहीं उसी क्षेत्र को बेसिकली तीनों लोग बिलोंग करते हैं और इनका अल्टीमेट प्लान वहीं पर इस गांजा को डिस्ट्रीब्यूट करना था। और इस तरह से बॉर्डर चेकिंग, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रांगली इस समय करा रहे हैं, और ये उस तरह से चुनाव के नातों भी बहुत अच्छी कार्रवाई श्रीनगर व एसओजी पुलिस द्वारा आज की गई। इनका क्या आपराधिक इतिहास है? इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी अभी प्राप्त की जा रही है।